भारत के मध्य इलाके से ताल्लुक रखते हैं और लोक कलाओं परंपराओं के लिए जो आपने काम किया है वो बेहद ही उत्कृष्ट, आपका जो योगदान रहा सराहनीय अविस्मरणीय, और भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से नवाजा। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से आपका एक बार से स्वागत। लोक कलाओं और लोक कलाकारों के सर्वांगीण विकास के लिए आपने जो काम किया है वो मील का पत्थर साबित हुआ, और इस पूरी यात्रा के दौरान किस तरीके से आपने इन पड़ावों को पार किया हम जरूर चाहेंगे अपने सारे अनुभव आज हम हमारे साथ साझा करेंगे। स्वागत है सर आपका। मेरे मित्रों और दोस्त सांसद भाई श्री भगवान जी, आदरणीय हुसैन जी, आदरणीय सीमा जी और पद्म सम्मानों से विभूषित आप सभी महानुभाव जिनको दो दिन से हम सब लोग यहाँ बहुत आदरपूर्वक सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और संसद के लिए बहुत आभारी हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ कि ये एक अनूठा उपक्रम उन्होंने आरम्भ किया है कि जिन लोगों को पद्म सम्मान मिले वो अपने अपने क्षेत्र में क्या विशिष्ट कर रहे थे इसके अनुभवों को लोगों से साझा करें और लोगों को समझ में आए। संवाद बढ़ता है इसमें, मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं इसके लिए बहुत कृतार्थ भी अनुभव करता हूँ कि पिछले दो दिनों में बहुत अनूठे और विशिष्ट लोगों के विशिष्ट क्षेत्रों में किए गए विशिष्ट तरह का जो काम था उससे मैं बहुत समृद्ध हुआ और मुझे नई जानकारियाँ मिली। उसमें पावर प्रेजेंटेशन वगैरह भी किए थे, वो तो मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ वहाँ ये संभव नहीं था। मित्रों, मैं 35 वर्षों से मध्य प्रदेश के जनजाति और जनपदीय क्षेत्रों की संस्कृति के क्षेत्र में काम करता रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि हजारों हजार लोगों के साथ तो मैं बहुत सारे शिल्पी हैं, नर्तक हैं, संगीतकार हैं, रंगकर्मी हैं, वाचिक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। मेरे होने से उनके जीवन में कुछ बदला या नहीं बदला, लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उनके होने से मेरा जीवन बदल गया। इस अर्थ में बदल गया कि मैं उन हजारों भारतीय युवाओं में एक था जो एक औपनिवेशिक अकादमिकता से निकल के नौकरी में आए थे, कॉलोनियल माइंड बहुत जटिल चीज है और उस आंख से भारत को देखना जो है उसके परिणाम और दुष्परिणाम सब अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन फिर मैं भोपाल आया करीब 40 साल पहले और मैंने जनजाति और लोक कलाओं के क्षेत्र में देश की पहली स्टेट अकेडमी के डायरेक्टर का काम संभाला जिसमें मैं शून्य था। मुझे नहीं मालूम था कि ये कृपा मेरे ऊपर क्यों की गई थी और मुझे ये काम किस लिए दिया गया था। मैं मूलतः साहित्य का आदमी था, लेकिन जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे समझना भी शुरू किया क्योंकि कोई मॉडल देश में इसका था नहीं जिसको मैं अडॉप्ट कर सकूं या उस रास्ते पर चल सकूं। मुझे अपना रास्ता भी बनाना था और बने हुए रास्ते पर चलना भी था, ये कठिन मामला है लेकिन अच्छा भी है। बने हुए रास्तों पे चलना और दौड़ लगाना वो एक और बात है, रास्ता खुद बनाना और अपने बनाए रास्ते पर चलने का जो सुख है वो कोई और बात है। मुझे कुछ नई चीज़ें समझ में आई। मैंने पहली बार एक ऐसा भारत देखा जो भारत में अपनी आंखों से देख रहा था। इसके पहले देखा हुआ देश और भारत जो था वो या तो मैंने पुरुषों की आंखों से देखा था जिसमें वो अतीत हो चुका था, मेरे लिए वो स्मृति थी, या मैं जिस भारत को मुझे दिखाया गया था वो भारत था जो विदेशियों की आंख से देखा गया था और मेरे लिए अजनबी था। पुरखों की आंख से देखा गया भारत अगर अतीत हो चुका है
और अब उसमें कुछ नहीं बचा तो सिर्फ एक दुखद स्मृति जैसा होता है। और अगर वो विदेशियों की आंख से देखा गया भारत जो कि अधिकांश आज देखा जा रहा है और निरंतर है, तो अपने ही देश के लिए हम एक अजनबी आदमी होते, या हम हमारे लिए देश एक अजनबी आदमी होता है। तो एक बड़े आदर हुए निर्मल वर्मा, वो बार बार इस बात को कहते थे कि अपनी आंख से अपनी परंपरा को देखना कुछ और होता है। हमारे साथ कुछ ऐसा घटा है कि हमारी परंपरा जो है वो दो तरह के अतिरेक का शिकार है, या तो वो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो लोग परंपरा को नहीं जानते और परंपरा के आलोचक है। अब ये बड़ी ट्रेजेडी है, परंपरा को नहीं जानना और परंपरा का आलोचक भी हो जाना, या ऐसे लोगों के हाथ में है चीजों का दारोमदार जो परंपरा को नहीं जानते और परंपरा के गर्वी झंडा होगा। और दोनों चीजें बहुत खतरनाक है, दोनों ही पक्षों के पास परंपरा के तत्वार्थ की उपेक्षा होती है। और इस वजह से भारत दो अतियों में है, या तो वो गंभीर प्रशंसकों के हाथ में है या उन लोगों के हाथ में है जो बिना जाने उसके आलोचक, बल्कि मैं कहूंगा उसके द्वेषी और निंदक। अब इनके बीच से कोई रास्ता केवल तभी निकल सकता है जब हम अपनी आंखों से देखना शुरू करें और परंपरा को समझना शुरू करें कि वो किस तरह की। तो ये एक चुनौती भरा काम था। जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मुझे दो चीजें तुरंत समझ में आई। पहली चीज तो ये समझ में आई कि मैं जिस भारत में काम कर रहा हूँ उस भारत का जो कालबोध है, सेंस ऑफ टाइम है, वो बिल्कुल अलग। ये वो टाइम नहीं है जिसमें मुझे दीक्षित किया गया था, या आधुनिक भारतीय प्रबुद्ध को दीक्षित किया गया, वो उसकी चेतना से समरस हो चुका है। वेस्ट का हिस्टोरिकल टाइम सेंस, और जिसमें ईसा से पहले का एक समय है और ईसा के होने के बाद का एक समय है। इस तरह धरती के समय को दो हिस्सों में पहली बार दुनिया में बांटा गया। अब मैं क्या करूं कि मैं एक ऐसे देश और ऐसी परंपरा में जन्मा हूं जिसकी सांस्कृतिक परंपरा, ज्ञान परंपरा, रचना परंपरा और जिसकी स्मृति ईसा से बहुत पहले जाती है, ईसा के होने के बहुत पहले जाती है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे तथाकथित दुनिया भर के आधुनिक इतिहासकारों ने जो दृष्टता की है वो ये कि ईसा के पहले का युग जो कुछ भी है वो किस्से, कहानियां, किंवदंती, मिथ और माइथोलॉजी है। और ईसा के पश्चात का जो जीवन है दुनिया का वो प्रमाणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भरोसेमंद इत्यादि इत्यादि है। तो हमारा एक पैर तो रखा हुआ है एक ऐसी परंपरा में जिसको वो मिथ कहते हैं, माइथोलॉजी कहते हैं, और एक पैर वहां है जो प्रमाणिक है, ऐतिहासिक है, भरोसे के लायक है, जिसकी उपेक्षा संभव नहीं है। तो सबसे पहले जो आश्वासन मुझे मिला कि बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे समुदाय, जनजाति समुदाय, लोक समुदाय, कि उनका कोई लेना देना पश्चिम के ऐतिहासिक समय से नहीं था। जनजाति लोग जो थे, जब उनसे आप पूछें अचानक कि ये कौन सा साल, ये कौन सा समय, तो उनके जो उत्तर होते हैं वो नहीं समझ पाते कि आप क्या जानना चाहते हैं। कहते बारिश हो रही है, जाड़ा आने वाला है, गर्मी आने वाली है, इसका मतलब ये निकलता है कि उनका जो कालबोध है वो प्राकृतिक कालबोध है, नेचुरल टाइम। फिर हम लोक समाजों में आते हैं, लोक समाजों में ग्रामीण रहते हैं, खेतिहर रहते हैं, किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, जब उनसे हम ये पूछते हैं तो उनका कालबोध जो है बहुत कुछ भारतीय पौराणिकता के भीतर का कालबोध है, वो भी हिस्टोरिकल टेंशन्स नहीं। अब इसकी जो जीवन रचना होती है वो बहुत अलग तरह की होती है, वो समयों की एक समग्रता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से सेंस ऑफ नेचर को आप देखें, प्रकृति का जो बोध है, आप एक आदिवासी से पूछें यहाँ प्रकृति कितनी सुंदर, तो वो नहीं समझ पाएगा कि आप क्या चीज कह रहे हैं, क्या चीज आपको सुंदर लगे।
क्योंकि वो प्रकृति के साथ एक अद्वैत, वो एक तरह की अभिन्नता है, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि अपने से पृथक सुंदर क्या। सुंदरता को देखने के लिए एक अलग आदमी चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो उसके साथ इतना समरस है तो नहीं समझ पाता कि आपको क्या चीज सुंदर लग रही है। हाँ वो कहता ठीक है सर, आगे बढ़ जाता। इसका मतलब ये निकलता है कि जो प्रकृति के साथ एक अद्वय में है, एक अभिन्नता में है, एक तरह के अद्वैत में है, उनका जो प्रकृति बोध है वो बहुत अलग तरह का। प्रकृति वहां पूरा जीवन, उसी के भीतर से उसकी धार्मिकता का विकास होता है, उसके आध्यात्मिक बोध का विकास होता है, उसके अनुष्ठानों का विकास होता है और उसके देवलोक और मातृ शक्तियों का विकास होता है। बिल्कुल ठीक किसी तरह से हमारे लोक समाजों में जो प्रकृति बोध है वो पावनता का है। हजारों वर्षों से उन्होंने नदियों के प्रभाव में वंदना की है, उसकी रक्षा की है। सदियों सदियों तक ग्रामीण महिलाओं ने बहुत आस्था और श्रद्धा के साथ नदियों में दीप दान किया, इसलिए बची है। हम लोगों ने तो 100-150 वर्षों के भीतर जंगल तबाह किए, पहाड़ों को नष्ट किया, नदियों को प्रदूषित किया और सब कुछ करीब करीब एक खतरे के जीवन की रचना जैसा आसपास कर डाला। लोक समाज ने ये नहीं किया। वो 5 तरह की मातृकाओं में है, उनकी पहली मातृका ही धरती माता, धरती को मातृ रूप में देखा, बिल्कुल एक भिन्न तरह का रिश्ता हो जाता है। प्रकृति माता, स्त्री माता, गाय माता, नदी माता और सबसे अंत में भाषा माता। इस संसार में हर आदमी के पास एक भाषा है जो किसी पाठशाला में नहीं सीखी जाती, जिसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, जिसका कोई व्याकरण नहीं, जिसका कोई शब्दकोश नहीं होता, लेकिन हर आदमी दुनिया में एक भाषा को जानता है। उसके अंतर व्याप्ति तो इतनी बड़ी होती है कि आपकी चेतना में उतर जाती है, वो भाषा उतर जाती है। इसलिए हम एक भाषा को इस तरह जो सीखते हैं मातृभाषा कहते हैं। इस मातृबोध के भीतर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ षट मातृकाएं जो है, इनमें भारत का लोक विस्तार है। ये जो लोक है ये मूलतः भूमि संबंधों और पशुपालक समाजों से बना हुआ, सदियों में विकसित हुआ, उनकी अपनी अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक और कला परंपराएं हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि वो आज भी मूलतः शब्द परंपरा के भीतर, वो अक्षर परंपरा में नहीं। और ये शब्द परंपरा को एक सुंदर नाम हजार प्रसाद देव जी ने दिया, भारत की वाचिक परंपरा, वाचिक परंपरा ओरल। और ये अकेले शब्द परंपरा के भीतर नहीं है। आप देखिए लोग और जनजातियों के भीतर जो नृत्य हैं, क्या उसका कोई व्याकरण है, क्या उसका कोई शास्त्र है, क्या उसका कोई गुरुकुल है, क्या उसका कोई गुरु है, यह संभव नहीं है। हमारी लोकनाट्य की परंपरा है, आप उनके लिए देखिए, महिलाएं सदियों से जो लोक चित्र बनाती हैं आप उनको देखिए, वो सब मूलतः वाचिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उनका ज्ञान उनका कौशल हस्तांतरित होता है, उनको सिखाने वाला नहीं होता। तो ये वाचिकता बहुत विस्तारित है, बड़ी फैली हुई है। और मेरा ध्यान इस बात पे गया कि अगर हम लोगों ने बहुत चिंता के साथ भारत में आने वाले 20-25 वर्षों के भीतर भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की रचना परंपरा, भारत की मौखिक साहित्य परंपरा, भारत की शिल्प परंपरा, भारत की नाट्य परंपरा, इस सब का व्यापक पैमाने पर दस्तावेजीकरण और संरक्षण का काम नहीं किया तो हम भारत की अमूल्य संपदा से वंचित हो जाने वाले हैं। क्योंकि सुविकसित भाषाएं जिनकी अपनी लिपियां हैं, व्याकरण हैं, शब्दकोश हैं, वो तब दुनिया में समाप्त हो गई, बहुत तेजी से समाप्त हो गई। तब उन भाषाओं का क्या होगा जिनकी अपनी कोई लिपियां नहीं, एक भी आदिवासी भाषा की कोई लिपि है, एक भी लोक भाषा की कोई लिपि नहीं, ये कैसे बचेंगे? उनके भीतर जो नॉलेज है वो कैसे बचेगा? वो सबसे ज्यादा ट्रेजिक ये है कि पहले तो अपने ही क्षेत्र में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो सारा ज्ञान, वो सारी शिक्षा, वो सारा कौशल हस्तांतरित होता था, लेकिन हमने तो आधुनिक विकास के नाम पे इसको बिल्कुल ब्रेक कर डाला है। क्योंकि वहां से एक पूरी नई पीढ़ी को हम शहर में ला रहे हैं, हम उनको हॉस्टल बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, स्कूलों में भेज रहे हैं, कॉलेजों में भेज रहे हैं,
अब वहां सीखने वाला कोई नहीं। बुजुर्ग ज्ञान देना तो चाहती लेकिन किसको दे, वो भाषाएं कैसे बचेंगे, वो कौशल कैसे बचेंगे, और वो अनूठे इस संसार में उसकी कोई तुलना नहीं। जब मैंने वाचिक परंपरा के संकलन का ये काम 35 साल पहले शुरू किया, आप जानते हैरत होंगे कि 9 वर्ष लगे मुझे, करीब 1,00,000 पृष्ठों में मैंने वो पूरी मौखिक रचना ज्ञान और साहित्य संपदा का संकलन करके उसको संपादित करना शुरू किया। जब वो मुझे लगा कि इसमें मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया है और मुझे जल्दी से इसके कुछ प्रकाशन भी करना चाहिए, तो मैंने उनको 50 खंडों में प्रकाशित किया। वो भारत ही नहीं एशिया में वाचिक परंपरा के लिए किया गया सबसे बड़ा काम है। इतना बड़ा संगठन था हमारे देश में और एशिया में दूसरे देश में कहीं नहीं था, 50 खंडों में है वो। और उसमें जनजातीय वाचिक परंपरा भी है, लोक वाचिक परंपरा भी है, और लोक परंपरा के सारे पक्ष भी हैं, यानी चित्र की वाचिक परंपरा, संगीत की वाचिक परंपरा, शिल्प की वाचिक परंपरा, सभी चीजों का उसमें समेटने की कोशिश की गई। ये एक बड़ा अनूठा अनुभव था। मैं ऐसे रचनाशील लोगों के बीच में था कि मैं बखान नहीं कर सकता आपसे कि मेरी अनुभूतियाँ उनको लेके क्या थी, लेकिन वो बहुत अनूठा इसलिए था कि मैं पहली बार ये समझ पाया कि जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर होता है। हम शिक्षित लोग जो हैं वो उनकी अपनी मानसिक और बौद्धिक सीमाएं हैं। आज तो हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब जानकारी ही ज्ञान का विकल्प बन गई है, और अक्षर को इतना सिर पर बिठा लिया है कि जो लोग अक्षर नहीं जानते या शिक्षित नहीं है किसी रूप में, हम लोग तो उनको मूर्ख मानना समझना शुरू कर दिया। एक उदाहरण देके आपको बता के अपनी बात को का समापन करूँगा, जिससे ऐसे हजारों दृष्टांत मेरी स्मृति में जिनको अगर मैं कहना शुरू करूँ तो ये अंतहीन वक्तव्य बन सकता है। मैं एक बार बस्तर गया और वहाँ मैंने दंडावी मालविया समुदाय, जनजाति समुदाय है वो, उसका एक नृत्य देखा। उसको दंडावी मालिया नृत्य कहते हैं, बाइसन हार्न मालिया डांस फॉर्म इन नारायणपुर कोंडा गांव यहाँ पर होता है। आपने देखा होगा कि वो सींग लगे रहते हैं, वो हेड गियर होता है डांस के ऊपर, सींग लगे कौड़ियों की झालर से उसका चेहरा ढका रहता है और पक्षी के दो पंख जो हैं वो ऊपर उसमें लगे रहते हैं। 40 साल पहले मैंने इस नृत्य को देखा था। बहुत वर्षों बाद एक शिल्पी ने बस करके मुझे उस हेडगियर की या नृत्यभूषा के मुकुट की एक प्रतिकृति शिल्प में बना के भेंट की। वो मेरे ऑफिस में बरसों रहता था और जब भी मुझे थोड़ा सा अवसर मिलता था मैं उसको बहुत गौर से देखता रहता। एक गर्मी के उबाऊ दिन जब मैं थोड़ा खाली था और कोई मुझसे मिलने नहीं आया, अचानक उसको देखते देखते मेरे दिमाग में एक बात हुई और वो ये था कि गौर पशु बाइसन जो है उसके सींग में मुकुट वो गलती पे चलता, बाइसन तो गलती पे चलता, कोड़ियों की जो झालर है वो नर्तक का चेहरा रखते है। इसका मतलब है कि नर्तक प्रयोजन नहीं है, नर्तक प्रयोजन नर्तक तो गया, उसका चेहरा कोड़ियों से रख दिया गया है, वो समुद्र से आती है और पक्षी के पंख लगे हुए हैं उसके मुकुट में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। मैं हैरत में रह गया कि एक नृत्यभूषा के भीतर हमारे पूरे अस्तित्व की इस अद्भुत समष्टि का क्या विचित्र रूप तैयार किया गया है। इसमें पृथ्वी है, समुद्र है और आकाश है। क्या संसार का कोई भी डिजाइन, नृत्यभूषा का कोई भी आकल्प इतनी अस्तित्व की इतनी बड़ी समष्टि को नृत्यभूषा के छोटे से हिस्से में सिर्फ मुकुट में डिजाइन कर सकता है। और हम वो लोग थे जो दिल्ली और मुंबई से डिजाइनर भेजते थे उनके पास के थोड़ा सा कोरियोग्राफ कर दो, बड़ा
मैंने जब इस बात का जिक्र बहुत सारे सांस्कृतिक केंद्रों में करना शुरू किया तो लोग हैरत में पड़ गए थे कि ये संभव है क्या। मैंने कहा ये बिल्कुल संभव। और जब उस आदमी से पूछा तो उस आदमी को इसकी कोई चेतना नहीं थी, वो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था कि उसने ये कैसे बनाया। उसने कहा हजारों साल से बना रहे, हम भी बना रहे। लेकिन आप जरा कल्पनाशीलता देखिए, जिस जगह को हम धरती के सबसे अंधेरे कोनों में जानते हैं बस्तर, वहां ये अपूर्व घटना घटी थी और उन लोगों ने इसकी रचना कर ली है। और हम लोग जो है उन्हें सिखाने के प्रयोजन से पूरे समय उधर रहते हैं। हमें ऐसा लगता है उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे जीवन उनसे सीखने के लिए समय थोड़ा कम है, क्योंकि उनके पास सिखाने के लिए बहुत है। और वो ऐसे लोग हैं जो भाषा में बहुत कम है और वो जो हैं एक तरह की चुप्पी में हैं। हम सारे लोग एक तरह की भाषा का या मुखरता में हैं। हमारे पास कहने के लिए सत्य बहुत थोड़े होते हैं। जिनके पास सत्य बहुत होते हैं वो या तो मौन में होते हैं या बहुत थोड़े से शब्दों में होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर कपिल तिवारी, ट्रेवल्स को ट्रेडिशन के थ्रू कैसे इंपावर किया गया और इसमें आपने किस तरीके से साहित्य को लेकर काम किया वो अपने आप में सराहनीय है। डॉक्टर कपिल तिवारी जी ने जो प्रेरक प्रसंग बताए, अगर उससे संबंधित या उनके कार्यों से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है, कोई जिज्ञासा है, तो आपके प्रश्न आमंत्रित है। कहा मैं अभी 15 दिन पहले 3 दिन तक बस्तर की यात्रा किया, एक रात नारायणपुर में रुका जहाँ रामकृष्ण मिशन आश्रम श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज से 50 साल पहले 120 एकड़ जमीन दी थी। और वो आश्रम में इसी तरह के बहुत सी एक्टिविटीज चल रही हैं। और जो आपने व्याख्या की सिंह की और उनके जो ड्रेस की दंडामी मारिया जाति की, ये एक प्रकार से पंच तत्व के ऊपर जो आपका फोकस है ये अद्भुत है। और वास्तव में मैं जब एमएलए एमपी बना और निवृत्त होने के बाद जब मैं जाता हूँ तो मुझे एक गांव में गांव वालों ने कहा, साहब आप लोग आते हो बहुत ज्ञान की बात, केवल 3 चीज हमको दे दो, हाथ बाट और घाट, बाकी काम हम कर लेंगे, हमको कुछ चीज की जरूरत नहीं है, हाथ बाट और घाट और बाकी हम कर लेंगे। तो हमारी विरासत और परंपरा बहुत अनादिकाल का है, उसका केवल थोड़ा स्वरूप बदल के उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत। और जो आपने 50 खंड प्रकाशित किया है वो तो बड़े रूप में होगा, अगर उसका छोटा छोटा रूप क्षेत्रीय रूप में और एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत भाषाओं का, प्रदेशों का, और उसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम कैसे एक दूसरे के विचारों को, कला को, हुनर को एक दूसरे तक कैसे पहुँचाए। और ये जो मंच है ये देखिए सारे भारत को एक जगह ला दिया है, और अब हम मिल करके एक दूसरे के विचारों को कैसे पहुंचाएं और उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं। और जनजाति, जैसे हमारे यहाँ अमरकंटक में जनजातीय विश्वविद्यालय है, ऐसे विश्वविद्यालय और अब क्षेत्रीय स्तर पर भी जो विश्वविद्यालय है, इनके माध्यम से आप अपने ज्ञान का, अनुभव का व्यापक रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पहुंचाएं और एक वॉलेंटियर्स का ग्रुप तैयार करें जो आपके मार्गदर्शन में, क्योंकि अब आप जामवंत की भूमिका में आ गए, आपको हनुमानों की जरूरत है जो इस मिशन को आगे बढ़ाए। तो मैं चाहूंगा कि इस दिशा में आप थोड़ा प्लानिंग करें, हम आपको मदद करें। धन्यवाद। असल में इस काम की पूरी प्रकृति ही माननीय कुछ ऐसी है, ये व्यक्ति का काम नहीं है। व्यक्ति बहुत बैठे हैं यहाँ, वो अपने पुरुषार्थ से वो जीवन में करते हैं, परिवर्तन आते हैं उससे। मैं जिस जगह पर था वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण है, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक ही काम किया था, 500-600 लोगों का एक विशाल नेटवर्क मध्य प्रदेश में तैयार किया, पोटाइस में भी था और फोक में भी था, कि आप लोग ये काम करें कि अपने क्षेत्र के सबसे प्रमाणिक लोकगीतों का संग्रह करना शुरू, आप कहानियों का संग्रह करना शुरू करो, आप आख्यान या गाथाओं का संग्रह करना शुरू करो,
आप कहावतें पहेलियाँ या मुहावरों का संग्रह करना शुरू करें। देखते देखते वो ये लोगों की संख्या बढ़ती चली गई और मैं चकित रह गया कि हम अपनी अकादमी का काम करने वाले कुल 14 ही लोग थे। ये तो सपना जैसा है, 700 लोग काम कर रहे थे और वो लगातार उस संग्रह को हमारे पास भेज रहे थे जिसको मैं एडिट कर रहा था। और मेरे जीवन में इतना तक समय नहीं था, संग्रह की तो बात दूर है, कि जो संग्रह होके आ गया है उसको समय निकाल के पूरा पढ़ के संपादित कर, इस काम में मुझे 9.5 साल का समय लगा। तो ये इसकी पूरी प्रकृति ही कुछ सामुदायिक सी है, ये काम ही कुछ ऐसा है कि इसमें मैं जैसा कुछ नहीं, हम करते हैं। मुझे तो बल्कि मैं आपसे एक विचित्र अनुभूति शेयर करूं, वो थोड़ा सा कुछ आध्यात्मिक हो जाएगा, मुझे माफ करिए, लेकिन मुझे ऐसा कई बार लगा, मैं नहीं कह सकता कि मैं उस तरह का नास्तिक भी नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगा जैसे जब वो काम मैं कर रहा था कि जैसे ये काम मेरे माध्यम से हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। ये बड़ी अजीब सी बात है, जैसे किसी चीज ने मुझे एक जरिया सा बना लिया। बहुत सारे विचार मैं आपसे कैसे बताऊं, उस काम को करते हुए कितने महीनों निद्राहीन रातों में मैंने बिताए हैं, जब मुझे नींद आना बंद हो गई, उन चीज़ों ने मेरे सपनों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। और जब मैं सुबह उठता था तो मैं एक डायरी रखता था और उसमें नोट करता था कि अगले दिन मुझे क्या करना है, और इस तरह पूरा समय ही ऐसा निकल गया। मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे सपना जैसा लगता है अपना जीवन, और तो इसका भी अपना एक सुख है। मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने एक जीवन मुझे दिया और वो बहुत अच्छे काम में निकला, और मैं इसके संतोष। अयारी जी, अभी जो नई शिक्षा नीति बन रही है, अभ्यासक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बातें नई अभ्यासक्रम नीति में भी आनी चाहिए। नहीं जी तो किताबों ग्रंथों ग्रंथालय में रहेंगे, अभी पीढ़ी जो है जनरेशन उसके सामने वो आना चाहिए और उसके प्रयोग भी होना चाहिए। आपने जो मध्य भारत में किया है वो पूरे केरल से लेकर कश्मीर के लद्दाख तक होना चाहिए। तो जिनको आप ऐसे इसी माध्यम से या अन्य माध्यम से ऐसे जानकार लोग जो है, हम पुणे के नज़दीक महाराष्ट्र के पारवी वैदू बंजारा, इनका यही थोड़ा थोड़ा काम करें, जितना आपने किया है उतना नहीं कर सके, क्योंकि 40 साल बिताने के बाद मुझे ये ध्यान में आया कि हमें जो गुजारे हैं वो बर्बाद हो गए हैं। तो आप ये थोड़ा जैसे उन्होंने कहा है छोटे संक्षेप में हिंदी में किताब लिखो और वेबसाइट पर डालो, जिन सबके लिए क्या करना चाहिए, कैसा संकलन करना चाहिए। लिपियां लिपि नहीं है तो मुझे लगता है कि देवनागरी लिपि, उसके लिए हमने पारधी लोगों की जो भाषा है वैदिक लोगों की तेलुगु और कन्नड़ भाषा है और वागरी भाषा है, उनको देवनागरी में रूपांतरित किया है और किताबें सबको देने के लिए किया, तो सब ज्यादा जान सकेंगे, तो आपका ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए एक पूरा सेगमेंट उसमें तैयार किया गया है और अनिवार्य किया गया है कि आप उसको जरूर पढ़िए, उसकी किताबें ही तैयार की जा रही है। और मेरी अकादमी का तो 50% जो मटेरियल है वो उससे किताबें बनवा के वो उसका पाठ्यक्रम तैयार करवाया जा रहा है, क्योंकि इसका कोई टैक्स नहीं था। बड़ी मुश्किल थी कि आपने आप लोग एक नीति बना के कोर्स तो रख देते हैं लेकिन बुक्स तो आएंगे नहीं बच्चों के लिए पढ़ना, तो वो पढ़ेंगे क्या? या कंपैरेटिव स्टडीज की बात आती, कंपैरेटिव स्टडी किस चीज की करेंगे? दो चीजों में तुलना करने के लिए पहले आपके पास सामग्री तो हो, ये है, और सौभाग्य से कम से कम मध्य प्रदेश में और बड़े पैमानों के UGC जो है, आप लोग साहित्य के जो सेमिनार हैं या ह्यूमैनिटीज में जो सेमिनार हो रहे हैं
उनमें उसका फोकस इस बात पे है कि आप इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू, इंडियन लिटरेच, इस सब पे सेमिनार करें, बात करें, बच्चों बच्चों से संवाद करें इसके बारे में। मुंबई में जैसा जे जे स्कूल ऑफ आर्ट है वैसा भोपाल में या कहीं जगह पूरे भारत के कला कौशल्य का एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हो सकता है आप चौहान जी से बात करेंगे, इन सब से बात करेंगे तो वो विश्वविद्यालय भोपाल में। हमारे सौभाग्य से दो चीजें तो है, मैं कह सकता हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, अगर आपने आप गए होंगे वहाँ, वो भारत की अकेली ही कृति है जो मध्य प्रदेश और भोपाल में है। और दूसरा, मैं जिस अकादमी में काम कर रहा था और मैंने 35-40 साल में जो संग्रह किया था, वो सारा का सारा संग्रह मेरे वहाँ से हटने के बाद बहुत सुंदर ढंग से एक विशाल संग्रहालय बना के प्रदर्शित किया गया है। आपको जान के हैरत होगी कि उसमें छोटा मोटा नहीं, 8,500 कलाकृतियाँ रखी जनजाति, इसमें लोग शामिल नहीं है। अगर मैं उसमें लोग को शामिल कर दूँ तो उसके लिए कम से कम 20 एकड़ जमीन चाहिए, वो इतना विशाल। एक उदाहरण देता हूँ, एक बार मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना शिल्प शिल्प के मेले वगैरह लगाते थे, तो मुझे लगा कि भारत इतनी रचनाशीलता में है और इतनी विशाल भौगोलिक विविधता में है कि इसको माइक्रो करके देखने की जरूरत है क्राफ्ट को। तो टेराकोटा ऑफ इंडिया किया है कि अकेले मिट्टी शिल्प में भारत की रचना कितनी विविध है, सिर्फ एक मीडियम को चला, वुड नहीं था उसमें, टेक्सटाइल नहीं था, बाकी चीजें नहीं थी, सिर्फ टेराकोटा। आप जानते हैरत होंगे, मैंने बंगाल से लगा के छत्तीसगढ़ तक और मतलब उत्तर पूर्व से मणिपुर से लगा के दक्षिण तक के टेराकोटा शिल्पों को जो पहली बार में मुझे मिल सके, ये कोई बहुत बड़ा संग्रह नहीं, मतलब अगर कोई अपनी जीवन का ध्येय बना के ये करे तो क्या कल्पना की होगा, मैं नहीं कह सकता। मैंने 7,000 अकेले टेराकोटा, और फिर एक स्पेसिफिक एग्जीबिशन की टेराकोटा ऑफ इंडिया 26 जनवरी को वहां भोपाल। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 27-28 साल पहले। तो अब ये विशाल संग्रह हो गया, तो अब सब लोगों को लगा कि कोई एक संग्रहालय होना चाहिए जहाँ सुरक्षित ये सब को रख दिया जाए, तो वो बहुत बड़ा संग्रहालय बना। आप भोपाल जाए तो वहाँ एक जनजातीय संग्रहालय है, उसको देखें। पिछले साल देवलोक ये जब था, हाँ, आ गया था। जी, तो वो संग्रहालय जो है वो उस काम की एक झलक जैसा है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसमें बहुत होना बाकी है, उसमें कुछ दशक लगेंगे, तो वो हो रहा तो चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर तिवारी जी ने बहुत जबरदस्त काम किया, मैं भी जनजाति क्षेत्र से जॉन सर जनजाति, तो जैसे आपने कहा अभी कि भाई आप जामवंत के इसमें पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरा विचार तो यही है कि हम सभी जामवंत हैं, हनुमान तो आप लोगों ने तैयार करने हैं। वो किस तरह से जो सब लोगों ने अपने अपने ये देखा जो कार्य किया है वो सब की भूमिका जामवंत की है, लेकिन हनुमान तो यहाँ से तैयार करते हैं ताकि आगे का काम, यहाँ से हनुमान की गंगा निकलेगी और वो गंगा जो है आपके वहाँ से निकली और वो पूरे भारत में, इसीलिए भारत के संसद में माननीय स्पीकर महोदय ने हिस्ट्री में पहली बार आपने कहा था ना परसों कि बिरला जैसे बिरले लोग ही ऐसा काम करते हैं, और वो काम हुआ है। माननीय एडिशनल सेक्रेटरी को कह रहा था आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन पद्मश्री जिन लोगों ने 50-50 साल 50-50 साल अपने जीवन का दे करके और उस अनुभव को संग्रहित कर रहे हैं और संपूर्ण भारत में ये जाएगा, आजकल तो इमीडिएट चला जाता है, आप अपनी फोटो खींचे हैं वो सारे क्षेत्र में आपके पहुंचे हैं कि साहब आप पार्लियामेंट में हैं, ये है वो, तो ये टेक्नोलॉजी का युग है और इसको बहुत तेजी से पहुंचाने का हम सबको प्रयास करना है।